अब उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा है वो जरा आपको बता देते हैं। चमोली से खबर है, चमोली में कुदरत ने दिल खोल करके बर्फबारी कर दी है। लॉर्ड कर्जन ट्रैक रूट पर 4 फीट से अधिक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लॉर्ड कर्जन ट्रैक का किसी जमाने में खासा महत्व हुआ करता था। अंग्रेजी हुकूमत के समय वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन ने भी यहाँ की सुंदरता और रमणीयता से प्रभावित होकर इस ट्रैक को बनवाया था और यही वजह है कि ये ट्रैक आज भी सैलानियों को बहुत पसंद आता है। बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में और यहाँ की सुंदरता का लुत्फ लगातार वो उठा रहे हैं। तस्वीरें देखिए कितनी सुंदर ये मनमोहक तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। बड़ी संख्या में देश भर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब बर्फबारी लगातार हो रही है, पिछले एक दो दिन से यहाँ पर जिस तरीके से मौसम बना हुआ है वो आकर्षण का केंद्र है, ना सिर्फ देश भर के पर्यटकों के लिए बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। इस मौसम का इंतजार वो करते हैं साल भर और फिर जैसे ही मौसम में तब्दीली होती है, बारिश की शुरुआत होती है, उसके बाद बर्फबारी होती है, तो बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं और इस साल भी वही हो रहा है, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनको। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम बदला हुआ है, न्यू ईयर से पहले ही सैलानियों को सौगात के रूप में बर्फबारी देखने को मिल रही है। बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी है, तस्वीरें वहां की भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये बर्फबारी एक तरफ सैलानियों के लिए सौगात लेकर के आई है तो वहीं इससे किसानों की फसलों को फायदा होने की उम्मीद है। पारा गिरने से सर्दी भी बढ़ गई है जिस वजह से लोगों को अलाव का सहारा यहां पर लेना पड़ रहा है। बहुत ऊंचाई वाला इलाका है बागेश्वर का कपकोट, यहां पर भी बर्फबारी लगातार हो रही है। जो सैलानी है उनके लिए ये मौसम बहुत अच्छा, शानदार, सुहाना, लेकिन जो लोग यहां पर रहते हैं उनके लिए परेशानी। स्नोफॉल हुआ है वो हमारा बदियापुर, धुर और इधर बाछम में, गोगिना, इन इलाकों में बर्फबारी हुई थी। तो अभी तो फिलहाल मौसम की स्थिति सामान्य बनी हुई है। अभी मौसम विभाग का हमारे पास जो अलर्ट आया है उसमें उन्होंने अगले 3 तारीख तक मौसम सामान्य बताया है और किसी तरीके की ऐसी कोई पूर्वानुमान इस तरीके की चेतावनी नहीं बता रखी है। स्थिति सभी जगह फिलहाल सामान्य।